नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। 11:30 बजने को है वक्त आपकी न्यूज का होता है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर अमिताभ बच्चन को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केबीसी शो से जुड़ी आय पर टैक्स के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला करीब 1.66 करोड़ की टैक्स देनदारी से जुड़ा हुआ है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता का। महेश, और क्या डिटेल्स है, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? जो अमिताभ बच्चन जो शो करते थे कौन बनेगा करोड़पति, तो 2001-2002 का जो असेसमेंट ईयर था, उसके बाद जब 2003 और 2004 का जो असेसमेंट ईयर आया, उसके अंदर उन्होंने जो कुछ जानकारी दी पिछले साल की, वो कुछ मैच नहीं कर रही थी, कुछ डिफर कर रही थी। तो उस पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अमिताभ बच्चन से पूछा, तो उन्होंने बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया कि 1,66,00,000 का जो है कर इनकम टैक्स अमिताभ बच्चन को देना होगा साल 2001-2002 के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन को उसमें पुली थी कि जो स्टार चैनल है वो विदेशी चैनल है, और ये पैसा उन्होंने शो के नाम पे नहीं, एक्टिंग करने के लिए, मतलब कुछ तकनीकी इसमें विवाद थे। उन तकनीकी बातों को उठाते हुए अमिताभ बच्चन का कहना था कि जो ये टैक्स है ये 1.66,00,000 का नहीं बनता है। तो उसके वो जो है हाई कोर्ट ने भी अमिताभ बच्चन की पुली को जो है वाजिब ठहराते हुए इनकम टैक्स विभाग की जो अपील थी खारिज कर दिया था। उसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अमिताभ बच्चन की जो दलील है वो गलत है, और इनकम टैक्स विभाग की जो पुली थी उसको मान लिया है, यानी कि अब अमिताभ बच्चन को 1,66,00,000 जो कर देना होगा। उसके बाद उस पर क्या पेनल्टी है, क्या ब्याज है, वो इनकम टैक्स विभाग अपने आप देखेगा। शुक्रिया महेश गुप्ता। अमिताभ बच्चन को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से।